गर्ल हु लेप थ्रू टाइम, ये मूवी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 2006 की मूवी है और इसके IMDb रेटिंग 7.8 है। ये टाइम ट्रेवल पर मूवी है। अगर मैं आपको इस मूवी के बारे में और कुछ बताऊँ तो ये स्पॉइलर हो सकता है, तो चलिए डाइव इन करते हैं। ये स्टोरी है मोकोटो की। ये एक गर्ल होती है और ये टाइम ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। मूवी जब स्टार्ट होती है तो हमें दिखता है कि मोकोटो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है। इसके फ्रेंड्स का नाम चेकी और कोसुके होता है। ये सब मिलकर बेसबॉल खेल रहे होते हैं। जब ये बेसबॉल खेल रहे होते हैं तो उसे लगता है कि उसके पास बॉल आ रहा है, तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसकी सिस्टर ने फिर से उसकी पुडिंग खा ली है। जब वो देखती है तब ये अलार्म बज रहा होता है और वो उठ जाती है। ये सब उसका सपना होता है। मोकोटो हमेशा लेट ही हो जाती है स्कूल में जाने के लिए। इस दिन भी वो लेट हो गई है। वो अपने फ्रेंड से वहाँ मिलती है और फ्रेंड उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने शेड्यूल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर हमें मोकोटो हमसे बात करते दिखती है। वो हमसे कहती है कि मेरा लक हमेशा ही अच्छा होता है, पर कभी कभी वो बुरा भी हो जाता है। इसका मतलब अब उसके टीचर आते हैं और उसे टेस्ट दे देते हैं। उसने इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया होता तो इस वजह से उसका लक आज खराब चल रहा है। उसके अच्छे लक के बारे में हमें जो वो कहती है, तो कहती है कि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करती और मैं भी हर्ट नहीं हो जाती। फिर हमें सीन दिखाया गया है कि स्कूल में जब कुकिंग क्लास चल रहा है तब वो खुद को भी हर्ट कर लेती है और बहुत सारा गड़बड़ वहाँ कर देती है। फिर वो हमें कहती है कि कभी भी मैं ज़्यादा पढ़कर गिरकर हर्ट नहीं हुई हूँ। तभी एक लड़का उस पर गिर जाता है और वो हर्ट हो जाती है। जब वो स्कूल में आती है तब उसने जो पेपर दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है। उसे 100 में से सिर्फ 9 अंक आए। तो आज उसका दिन बहुत ही खराब चल रहा होता है। उसकी एक फ्रेंड होती है यूरी, और उसके साथ वो बात कर रही होती है। वो उससे पूछ रही होती है कि आगे जाकर तुम क्या लेने वाली हो, आर्ट्स या साइंस। उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मोकोटो जो होती है उसे आज लैब में जरा काम करना होता है। उसे साफ सफाई का काम दिया होता है। उसके फ्रेंड्स उसे नीचे बुलाते हैं पर वो जा नहीं पाती। जब वो लैब में जाती है तो उसे लगता है कि वहाँ कोई है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। वो आगे चलती है तो किसी चीज़ पर उसका पैर गिर जाता है और वो बहुत ही ज़ोर से गिर जाती है। जब ये चीज़ देखती है, ये छोटा सा एक बॉल होता है। इसके बाद उसे कुछ दिखने लग जाता है। ये टाइम और स्पेस में अलग अलग जगहें दिखती है और फिर से वो होश में आ जाती है। वो अपने दोनों फ्रेंड होते हैं उनके साथ घर आ रही होती है। तभी उनमें बोलती है कि तुमने ही कुछ किया होगा, तुमने ही मुझे गिराया होगा। पर उसके फ्रेंड बोलते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया था। जब वो सब मिलकर बेसबॉल खेल रहे होते हैं तो उसे कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए इस समर में। हमें बीच पर विजिट करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। पर उसके फ्रेंड सबके लिए मना कर देते हैं। फिर बेसबॉल खेलने के बाद वो घर जा रही होती है। उसका जो घर होता है वो रेलवे ट्रैक्स के उस पार होता है और रेलवे ट्रैक्स के यहाँ एक बड़ा सा स्लोप होता है। वहाँ से वो अपनी बाइसिकल से जा रही होती है। जब वो इस स्लोप में ब्रेक लगाने की कोशिश करती है अचानक उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं। वो बहुत ही डर जाती है और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। वो ट्राई करती है पर जो रेलवे ट्रैक्स है वहाँ तक पहुँच जाती है और वहाँ से रेलवे आ जाती है। रेलवे आकर उसे टकरा जाती है और फिर उसे पता चलता है कि ये सब हुआ ही नहीं है। उसे फिर मालूम होता है कि रेलवे आने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो चुका था। वो उस स्लोप पे ही गिर गई थी। उसे समझ में नहीं आता ये हुआ क्या है। उसने तो देखा था कि रेलवे आई और उससे वो टकरा गई, पर ये बच कैसे सकती है। टाइम में पीछे वो चली गई होती है। उसकी मदर ने उसे एक पार्सल दिया होता है। उसके मदर की सिस्टर के यहाँ उसे जाकर उसे वो देकर आना होता है। इसमें खाने के लिए कुछ होता है। फिर वो उसके आंट के यहाँ चली जाती है। वो बिलीव नहीं कर पाती कि वो अभी भी जिंदा है। वो अपने आंट से पूछती है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं जिंदा हूँ। फिर उसकी आंट अपने ऑफिस में उसे लेकर जाती है। फिर मोकोटो उसे कहती है कि मैं टाइम में मैंने जंप मारी है। उसके आंट उसे कहती है कि ये तो मैं भी करती हूँ। मैं जब संडे में सोई थी मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। जब मैं उठी तो इवनिंग हो चुकी थी। मोकोटो कहती है कि इस तरह से नहीं, मैं एक्चुअल में कर रही हूँ। उसकी एंड भी इससे बिलीव करती है। मोकोटो फिर अपने घर आ जाती है और अपने रूम में बैठी हुई होती है। वो इसी चीज पर सोच रही होती है कि क्या मैंने सच में टाइम में जंप की है। उसके आंट ने उसे बताया होता है कि तुम टाइम को रोक नहीं सकते, तुम्हें टाइम में रिवर्स जाकर फिर से आना पड़ता है। इन सब चीज़ों पर अब वो सोच रही होती है। उसे फिर आइडिया आता है। उसे लगता है कि अगर फिर से वो उसी तरह से गिर गई जिस तरह से वो ट्रेन से गिरी थी तो वो फिर से टाइम में जंप कर सकती है। इसको टेस्ट करने के लिए वो अपने रूम में ही गिर जाती है।
धड़ाक से आवाज आती है तो उसकी छोटी सी सिस्टर जो होती है वो उसे देखने के लिए आ जाती है। कोटो की टाइम जंप नहीं हुई तो मोकोटो को लगता है उसे खिड़की से जंप मारनी पड़ेगी, फिर वो टाइम जंप कर सकेगी। वो कोटो की सिस्टर जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है और उसे रोक लेती है। उसे लगता है कि ये सुसाइड कर रही है। उसे कहती है कि ये सब मेरा फॉल्ट है, मैंने तुम्हारी पुडिंग नहीं खानी चाहिए थी। मोकोटो को उसकी पुडिंग बहुत ही अच्छी लगती है। उसकी सिस्टर उसे सॉरी कहती है। वो कहती है मैं कभी भी तुम्हारी पुडिंग नहीं खाऊंगी, प्लीज मेरी वजह से तुम ऐसा मत करना। मोकोटो फिर घर से बाहर निकल जाती है। वो रिवर के पास आती है। रिवर के पास आने के बाद वहाँ एक बड़ा सा ग्राउंड होता है तो वो अब डिसाइड करती है कि यहाँ से वो जंप कर सकती है। बहुत ही जोर से दौड़ती है और ये जंप मारती है। इस जंप मारने के बाद वो फिर से दिन के शुरुओं में आ जाती है। उसकी पुडिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। वो फ्रिज में जाकर ये देखती है तो उसकी पुडिंग अभी भी होती है। जब मोकोटो घर पर होती है तो उसके पेरेंट्स और उसकी सिस्टर आ जाती है। उसकी सिस्टर उसके पेरेंट्स से पूछ रही होती है कि क्या मैं मोकोटो की पुडिंग खा सकती हूँ। उसके पेरेंट भी उसको परमिशन दे देते हैं। मोकोटो फिर चिढ़ जाती है और बोलती है कि ये मेरी पुडिंग है। पर इससे अब उसके पेरेंट्स को पता चल गया है कि ये घर पर है। पर मोकोटो को यह नहीं लगता, ये होने नहीं देना चाहती, तो इसलिए वो फिर से टाइम में जंप मारती है। वो फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। जब वो देखती है वो फिर से रिवर तक आ चुकी है। अब वो खुश हो जाती है। वो एक्चुअल में उसने टाइम जंप मारी है ये उसे पता चल जाता है। वो फिर से उसे टाइम में जाती है और अब अपनी पुडिंग एंजॉय करती है। जब नेक्स्ट दिन होता है तो वो सुबह जल्दी उठती है। वो टाइम में फिर से वापस जाकर बहुत सारे स्लीप ले सकती है, इसी वजह से आज वो लेट नहीं होती। जब उसकी टेस्ट होने वाली होती है तो इसके लिए भी उसने प्रिपेयर किया होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि टेस्ट में क्या आने वाला है। तो इसलिए अब उसे 100 में से 100 मार्क्स आते हैं। कुकिंग क्लास में भी वो कुछ भी मैस नहीं करती। वो अपनी जो जगह है वो किसी और से ट्रेड कर लेती है, और जो इंसिडेंट हुआ था वो किसी और के साथ ही होता है। जब वो रास्ते से चल रही होती है, जैसे हमने प्रीवियस में देखा था कि एक लड़के से वो टकरा जाती है, वो उसे हर्ट कर देता है, पर इस बार वो छूट जाती है। जब उसकी फ्रेंड उससे बात कर रही होती है कि तुम फ्यूचर में क्या करने वाली हो, तो उसे कहती है कि मैं फॉरेन में जाकर सीखने वाली हूँ। अब उसे ग्रेड्स की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि वो टाइम में वापस जा सकती है और अपने ग्रेड्स चेंज करवा सकती है। तो इसलिए अब वो सपने देख रही होती है। उसे उसके फ्रेंड के साथ कुछ करना था, कुछ फन करना था, तो अब वो अपने फ्रेंड्स को लेकर एक कैरियोके पार्लर में आई है। वहाँ वो पैसे देकर उनकी आवर होता है, तो जब ये आवर खत्म हो जाता है तो वो फिर से वहाँ प्रकट हो जाती है। फिर से वो टाइम जंप करती है और फिर से वही आवर जीती रहती है। 9 घंटे तक ये वो रिपीट करती है। जब वो घर आती है तो उसके पसंद का खाना आज नहीं होने वाला होता, तो इसी वजह से वो फिर से टाइम जंप करती है। जब उसे अच्छा खाना मिलता है उस जगह पर जाकर फिर से वो खाना खाकर फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। उसके एंड के लिए खाने के लिए बहुत सारी पेस्ट्रीज वगैरह लाती है। उसके एंड उसे पूछती है कि ये सब तुमने कैसे लाया। मोकोटो बोलती है कि मुझे सिर्फ अपने अलाउंस के दिन पर जाना पड़ेगा और मुझे फिर से सब पैसे मिल जाएंगे। क्या तुम्हारी स्किल्स किसी अच्छी चीज के लिए नहीं यूज कर सकती? तुम ये सब जो कर रही हो इससे कोई हर्ट हो सकता है। मुकुटो बोलती है कि मैं जो भी कर रही हूँ इससे कौन हर्ट हो सकता है। वो अपने आप को समझा लेती है कि इससे कोई भी हर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माकाटा का जो एक फ्रेंड होता है कोशुका, उसे प्रपोज करने के लिए एक लड़की आती है। उसे वो टर्न डाउन कर देता है। जब माकाटो और उसका फ्रेंड चेकी इससे पूछते हैं कि वो लड़की तुम्हारे पास क्या कर रही थी, फिर कोशुका कहता है कि मुझे प्रपोज करने के लिए आई है, मैंने उसे टर्न डाउन कर दिया है। फिर माकाटो कहती है कि ये तो लड़की वैसे ही थी जो तुम्हें पहले पसंद आई थी। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये तीनों घर जाने के लिए चलने लगते हैं। मोकोटो का फ्रेंड जेकी उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जा सकता हूँ। उसके पास बाइसिकल होती है और फिर ये दोनों बाइसिकल पर घर जाने लग जाते हैं। फिर उसका फ्रेंड जेकी उसे कहता है कि अगर उसने उस लड़की को हाँ कर दिया होता तो उसकी गर्लफ्रेंड हो जाती, अगर उसकी गर्लफ्रेंड हो जाती तो वो हमें इतना टाइम नहीं दे पाता। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? मोकोटो इस पर उतना सोचती नहीं। फिर जैकी उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे डेट करोगी? ये सुनकर मोकोटो बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है। उसे इस पल में आना नहीं होता तो साइकिल स्टॉप करने के लिए बोलती है और फिर से टाइम में वापस जाती है। फिर से वही सीन में वो आ जाती है जहाँ वो उसके साथ राइड कर रही होती है। वो सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करती है फिर भी उसे बोल ही देता है। फिर नेक्स्ट दिन जब उसने उसे पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी, तो वो मना कर देती है। अपने एंड के पास वो आई हुई दिखती है। वो कहती है कि वो ऐसे कैसे पूछ सकता है,
मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि जैकी मेरा फ्रेंड से ज्यादा कुछ होगा। फिर वो अपने एन को ये भी बताती है कि वो टाइम में वापस गई और ये कभी हुआ ही नहीं, ऐसा उसने प्रिटेंड किया है। फिर उसके एन कहती है कि ये तो बहुत ही गलत है, उसने इतने करे से तुम्हें बताने की कोशिश की थी और अब उसे पता भी नहीं है कि तुम्हें ये मालूम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोकोटो का एक क्लासमेट जो होता है उसे कुछ लोग तंग कर रहे होते हैं, उसके वो खींच रहे होते हैं। ये वही लड़का होता है जिसके साथ कुकिंग क्लास में मोकोटो ने अपना प्लेस ट्रेड कर दिया था। तो मोकोटो के साथ पहले जो एक्सीडेंट हुआ था कुकिंग क्लास में, तो वो अब इस बच्चे के साथ हुआ है। ये सब देखकर अब उसे बच्चे चिढ़ाने लगे हैं। मोकोटो अपने फ्रेंड कोसुको के साथ उस बच्चे को बचाने के लिए जाती है। वो मोकोटो को ही ब्लेम कर रहा होता है। वो कहता है अगर तुमने मेरे साथ प्लेसेस ट्रेड नहीं की होती तो ये मेरे साथ होता ही नहीं। वो लड़का मोकोटो को इडियट बोलता है, तो इसलिए कुसुको अपने चप्पल लेता है और उससे उसे मारता है। अब नेक्स्ट कुछ सीन में हम देखते हैं कि चेकी ने उसे प्रपोज किया था, तो इसलिए अब मोकोटो उससे दूर भाग रही है, उसे पूरा इग्नोर कर रही है। ये जब सब हो रहा होता है तो मोकोटो की जो फ्रेंड होती है उसे चेकी पर क्रश होती है, तो इसलिए वो उसे आस्क आउट कर लेती है। ये दोनों एक गेम के लिए जाने वाले होते हैं, इसमें मोकोटो भी आने वाली होती है पर उसे वो बाईपास कर देते हैं। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जिस बच्चे को वो सब चिढ़ा रहे थे वो अब बहुत ही चिढ़ गया है। वो एक फायर इंस्टिंग्विशर लेकर आता है और इसे उस बच्चों पर लगाता है। सब उससे बहुत ही डर जाते हैं। वहाँ मोकोटो भी आती है, तो मोकोटो को ही वो ब्लेम कर रहा था, इसलिए वो फायर इंस्टिंग्विशर वो उस पर तान देता है। ये फायर इंस्टिंग्विशर फेंकता है, तब चेकी उसे बचा लेता है। चेकी इससे बहुत ही हर्ट हो जाता है, तो इसीलिए फिर से मोकोटो टाइम में वापस जाती है और चेकी को भी बचा लेती है। उस फायर इंस्टिंग्विशर को अलग डायरेक्शन में फेंक देती है, पर जब जब फेंकती है तब मोकोटो की फ्रेंड को ये लग जाता है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि चेकी और उसके फ्रेंड का दोनों का कुछ चल रहा है। अब फ्रेंड उसकी हर्ट हो चुकी है तो डॉक्टर के पास वो होती है, तो चक्की भी उसे मिलने के लिए आता है। जब वे तीनों फ्रेंड बेसबॉल खेल रहे होते हैं तो कोशुको चेकी से पूछता है कि कैसे तुम किसी लड़के को गेम में लेकर जाना चाहते हो। वो कहता है कि वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, हम दोनों में बहुत सारा कॉमन है, इसलिए वो उसे लेकर जाना चाहता है। रात होती है तो मोकोटो नहा रही होती है। वह सोचती है कि ऐसे कैसे चेकी कर सकता है, वो तो मुझसे प्यार करता है और मुझसे आस्कआउट कर रहा था, अब वो कैसे उस लड़की के साथ बाहर जा सकता है। वो जब ये सोच रही होती है तब उसके आप में उसे कुछ दिखता है। वहाँ 90 का साइन होता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये है क्या, वो फिर इसे इग्नोर कर देती है। अब जैकी मोकोटो के साथ बेसबॉल नहीं खेल रहा, तो वो और कोशिका ये दोनों ही बेसबॉल खेल रहे होते हैं। तो फिर कोशिका से पूछती है कि उस लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुम उसके साथ क्यों नहीं गए। कोशिका कहता है कि अगर मैं उसके साथ चला जाता तो तुम अकेली रह जाती। वो भी उसको लाइक करता है, ये वो यहाँ कहता है। अब मोकोटो कॉन्फ्लिक्ट में होती है, वो अपने एंड के पास आती है, उसे कहती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर उसकी एंड उसे एक सजेस्ट करती है, वो कहती है कि तुम इसे ट्राई कर सकती हो, तुम फिर से वापस टाइम में जा सकती हो और इस सब को फिर से ठीक कर सकती हो। मोकोटो कहती है मैं इस तरह से लोगों की फीलिंग्स के नहीं खेल सकती। उसके आंट उसे कहती है कि तुम लोगों की फीलिंग्स से नहीं खेलोगी, तुम टाइम में जब वापस जाओगी तब सब रिसेट हो जाएगा। फिर भी मोकोटो ये नहीं करना चाहती। ये सब लोग जब बात कर रहे होते हैं तो वो एक म्यूजिक में होती है। उसके एंड उसे एक यूनिक पेंटिंग दिखाती है। उसके एंड उसे कहती है कि जब भी मैं इस पेंटिंग को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही काम महसूस होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तो मोकोटो उसके करियर काउंसिलर के पास आई हुई होती है। उसके लाइफ में जो भी सब चल रहा है तो इसलिए वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। जब वो वहाँ जाकर नीचे उतर रही होती है तो वो फिर से अपने हाथ को देखती है। वहाँ का जो 90 बना हुआ होता है वो अब 50 हो चुका होता है। वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि पिछले बार मैंने जब देखा था तो ये तो 90 था, ये कैसे 50 हो सकता है। उसे फिर कुछ लड़कियां आकर घेर लेती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम कोशिको का डेट कर रही हो। फिर जब मोकोटा उसे पूछती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, तब तो उसमें से एक जो लड़की होती है वो स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि मेरे ग्रैंड मदर एल्डरली हाउस में जब थी तो एक लड़का उसे मदद करता था, वो बहुत ही अच्छा था और इसी से उसे पैर में ये पड़ गई। जब ये स्कूल में आई तब उसे पता चला कि ये कोशिका ही है। हर रोज उसे वो देखती थी तो उसे ज्यादा ही उससे प्यार हो गया है, तो इसी के लिए वो उसे पूछ रही है। फिर मोकोटो उससे कहती है कि जो सब तुम्हारी फीलिंग्स है इसके लिए मैं कुछ करूंगी, मैं इसको सही कर दूंगी। फिर से वो टाइम में वापस जाती है। जब ये लड़की उसे आस्क आउट करती है उसी टाइम में वापस आ जाती है।
वो कोशिको से कहती है कि इसकी ग्रैंड मदर को तुमने हेल्प किया था, कि उन लड़कियों ने अभी तक उससे नहीं पूछा है, तो इससे वो फ्रीक आउट कर जाती है। तो वो फिर से टाइम में वापस जाती है। इस बार फिर से वो गड़बड़ कर देती है। वो कहती है कि ये तुमसे प्यार करती है। इस बार भी ये सही नहीं कर पाती है। नेक्स्ट टाइम जब वो पास में जाती है तो मूवी जहाँ से स्टार्ट हुई थी, जिस डेट से स्टार्ट हुई थी, जिस डे में वो लेट हो चुकी थी, उस डे में वो वापस आ जाती है। वहां जाकर जिस लड़के ने उसे हर्ट कर दिया था उसके सामने वो कोशिको को डाल देती है। वहां उस लड़की को भी उसने बैठा हुआ होता है, तो इस वजह से उस लड़की और कोशिको में लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। उस लड़की के पेरेंट्स ट्रेन हो चुके होते हैं, तो उसकी केयर करने के लिए कोशिको दिन भर उसके साथ रहता है। उसके फादर डॉक्टर होते हैं, तो उसकी मलम पट्टी करने वाले के लिए वो उनके पास उसे लेकर जाने वाला होता है। मोकोटो को अब लगता है कि जब वो लैब में थी तो वहां कोई था, तो उसे उसे ढूंढना चाहिए। तो वो लैब में आती है और वहां छिपी हुई होती है। वहां दरवाजा खुलता है पर वहां उसकी फ्रेंड ही होती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुमने यहाँ किसी और को देखा, तो उसकी फ्रेंड को वो मालूम नहीं होता। तभी मोकोटो को मैसेज आ जाता है। वो मैसेज कोशिको का होता है। वो उसकी फ्रेंड को लेकर मोकोटो के बाइसिकल से उसे वो लेकर जाना चाहते हैं, पर ये वही दिन है जिस दिन मोकोटो का एक्सीडेंट हो चुका था, तो इसलिए अब वो डर जाती है। जब वो जाकर देखती है जहाँ उसकी बाइसिकल पार्क होती है, पर वहाँ उसकी बाइसिकल उसे नहीं मिल पाती। फिर वो उसके पीछे भागती है, चाहे एक्सीडेंट हो चुका था उस साइड पर वो आ जाती है, पर अभी भी ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उसे लगता है कि अब ये एक्सीडेंट नहीं होने वाला। वो चैन की सांस लेती है और फिर उसे चैकी को कॉल आता है। बहुत दिनों बाद वो अब चैकी से बात कर रही है, तो उसे कहती है कि मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों से मैं तुम्हारे साथ बात नहीं की है। वो उसे बेसबॉल के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करती है, तो चैकी को शक जाता है। वो फिर उससे पूछता है कि क्या तुम टाइम जंप कर रही हो। मोकोटो को यह समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, चैकी को ये पता कैसे है। पर उसी वक्त कोशिको और वो लड़की उसके बाइसिकल में उस स्लोप से चलते हुए उसे दिखती है। उसे पता होता है कि इनका एक्सीडेंट होने वाला है। वो उनके पीछे दौड़ती है, वो पूरी जान लगा देती है, पर वो गिर जाती है, बुरी तरीके से हर्ट हो जाती है, और इस एक्सीडेंट में कोशिको मर जाता है। वो चिल्लाने लग जाती है, रुको रुको रुको, पर फिर टाइम थम जाता है। वो फिर से जरा पास्ट में आ जाती है। उसके आसपास जो भी लोग होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। वहाँ चेकी आया हुआ होता है। उसे पूछता है क्या तुम मुझ पर हंसोगी तो नहीं अगर मैंने तुम्हें कहा कि मैं फ्यूचर से हूँ। फिर वो उसके फ्यूचर के बारे में कहता है। जिस फ्यूचर से वो आया हुआ होता है वहाँ एक डिवाइस होता है जिससे लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। उससे हमारी बॉडी हमें चार्ज करनी पड़ती है और उसके बाद वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। वो फिर कहता है कि मेरे जो टाइम है वहाँ लेक नहीं है, बेसबॉल नहीं है। ये सब सुनकर मोकोटो को बहुत ही अजीब लगता है। चेकी समर के लिए वहाँ आया हुआ होता है, पर जब वो मोकोटो से मिलता है, कोशिको से मिलता है, तो वो ये उसके अच्छे फ्रेंड हो जाते हैं। अब उसके घर जाने के लिए यानी कि फ्यूचर में फिर से वापस जाने के लिए उतनी मोटिवेशन नहीं रहती, तो इसी वजह से वो उनके स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वो फिर उसे म्यूजियम में लेकर आता है। वो उसे कहता है कि यहाँ एक पेंटिंग हुआ करती थी, मेरी फ्यूचर में ये पेंटिंग थी पर ये तहस नहस हो चुकी थी, तो इस पेंटिंग को फिर से एक बार देखने के लिए मैं इस टाइम में आया था। ये जो म्यूजियम था, इसी म्यूजियम में मुझे वो दिखने वाली थी, पर अभी तक ये रिस्टोर नहीं हुई है। मोकोटो की सिस्टर इस पर काम कर रही होती है, पर अभी तक ये खत्म नहीं होता। चेकी फिर उसे कहता है कि पास्ट में टाइम ट्रेवल के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता, वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाला होता है। मोकोटो से कहती है कि जो तुम्हें पेंटिंग देखनी थी वो अभी रिस्टोर हो रही है, थोड़े दिन बाद तुम उसे देख सकती हो। पर चेकी को अब यहाँ नहीं रुकना होता, वो फिर वहां से चला जाता है। चेकी चला गया है तो सब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, सब स्टोरीज बना रहे होते हैं कि वो कहाँ गया है। कोशिको से कहता है कि मुझे ही उसने नहीं बताया तो ठीक है, पर तुम्हें भी ना बताया तो चला गया, ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता, वो तुमको बहुत ही लाइक करता था। फिर मोकोटो से कहती है कि ये तुम्हें कैसे पता है। कोशिको से कहता है कि ये सबको पता है, ये तो ऑब्वियस ही था। मोकोटो फिर वहां से चली जाती है और अपने एंड के पास आ जाती है। मोकोटो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने एंड को बताती है, तो उसके एंड उसे कहती है कि मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी। जब हम छोटे थे तब से हम एक दूसरे से प्यार करते थे, जब हम बड़े हुए तो हम अलग अलग रास्ते पर चले गए, पर उसने मुझे बता कर गया था कि वो फिर से आएगा। बहुत सारा टाइम गुजर गया है फिर भी मैं उसकी वेट कर रही हूँ। पर वो फिर मोकोटो को कहती है कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम्हें अगर चेकी को पाना है तो तुम किसी भी तरह से उसे पा सकती हो, तुम टाइम के लिए नहीं रुकती। फिर मोकोटो घर पर आ जाती है।
फिर वो देखती है कि उसके पास और एक चांस होता है, वो फिर से पास में जा सकती है। हमने देखा था कि चैकी ने एक्सीडेंट होने से रोक लिया है, मोकोटो ने उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए ही उसका लास्ट चांस यूज किया था, तो अब उसने ये यूज नहीं किया है, तो उसके पास पास में जाने के लिए या फ्यूचर में जाने के लिए और एक चांस है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। जो फर्स्ट डे होता है जब उसे पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकती है, उसी दिन में वो वापस आ जाती है। वो जब लैब में होते हैं तो वो उसके फ्रेंड के साथ होती है, उसकी फ्रेंड उसके साथ चेकी के बारे में बात कर रही होती है। मोकोटो से कहती है कि मैं उसे लाइक करती हूँ, उसकी फ्रेंड भी बोलती है कि ये भी ठीक है, वो भी इसे डील कर लेती है। जब वो अपने फ्रेंड कोशिको से मिलती है तो वहाँ वो सब लड़कियाँ होती है जो उसे अप्रोच करने वाली होती है। फिर मोकोटो उसे कहती है कि उन लड़कियों को जाकर तुम इनवाइट कर लो, उनके साथ भी मुझे आज बेसबॉल खेलना है। इससे कोशुको और वो लड़की ये दोनों बात कर सकेंगे और इनमें कुछ हो सकेगा, इसलिए मोकोटो ये करती है। मोकोटो उसे ये भी पता कर जाती है कि अगर तुमने मुझसे फिर से मेरी बाइसी कर ली तो मैं बहुत सारे पैसे मुझे देने पड़ेंगे, यानी कि वो एक्सीडेंट को भी टाल देती है। फिर वो चेकी के पास जाती है, वो उसे जाकर उसका वो छोटा सा डिवाइस दिखाती है। चेकी कहता है कि मैंने तो तुम्हें ये कभी भी नहीं दिखाया। फिर मोकोटो कहती है कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है। चेकी कहता है कि मैं बहुत ही इडियट हूँ, मुझे तुम्हें ये कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। वो उसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी लीव कर सकती हो। मोकोटो कहती है कि नहीं, मैंने ये लास्ट टाइम यूज कर लिया है। फिर वे दोनों मोकोटो और चेकी लेक के पास बैठे हुए होते हैं। फिर मोकोटो चेकी को कहती है, जिस पेंटिंग के लिए तुम आए थे उसे मैं प्रिजर्व करने का पूरी कोशिश करूंगी, जब तुम फिर से वापस फ्यूचर में जाओगे तो तुम्हें वो पेंटिंग 100% मिलेगी। चेकी भी इसके लिए उसे थैंक यू कहता है। फिर चेकी उसे कहता है कि जब मैं यहाँ आया था तब मैं वापस जाने वाला था, पर जब मैं तुम लोगों से मिला तो मेरी तुमसे बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, इसलिए मैं रुक गया। मोकोटो कहती है कि इस वजह से तुम नहीं रुके थे। चेकी उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें क्या बताया है, पर वो उससे कुछ भी नहीं बोलती है। अब चेकी वापस जाने वाला होता है तो वो जाते जाते उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बताना है। वो उसे कहता है कि तुम चलते चलते बहुत ही गिरती हो, तब तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। मोकोटो डिस्टर्ब हो जाती है कि उसने मुझे ये क्या कहा, वो जो कहने वाला था उसने मुझे वो नहीं कहा। उस पर चिढ़ जाती है और जाने के लिए बोलती है। थोड़े टाइम में फिर से चेकी उसके पास वापस आता है, वो उसे हग करता है और कहता है कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए मैं वेट करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोकोटो कोशिका और जो सब लड़कियां थी वो उसके साथ खेल रही है। कोशोको मोकोटो से कहता है कि कैसे वो जा सकता है। मोकोटो कहती है कि उसे कुछ मिल गया होगा, इसीलिए वो उसे परस्यू कर रहा है। फिर मोकोटो कहती है कि मेरा भी एक प्लान है। कोशोको उसे पूछता है कि ये क्या है, तो उसे कहती है कि ये सीक्रेट है। जब मोकोटो ये बोलती है तो वो स्काई के पास देख रही होती है, वो चेकी से फिर से मिलना चाहती है। फिर उसे उसके लिए कुछ करना होता है, इसी का ये प्लान होता है। जैसे हमने पहले देखा था उसकी एंड उसे कहती है कि तुम रुकने वाली लड़कियों से में से नहीं हो, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम पा लेती हो। अब उसने डिसाइड किया है कि वो टाइम ट्रैवल करेगी और फिर से चेकी से मिलेगी। ये कैसे भी वो कर सकती है। इस एंडिंग को आप किस भी तरीके से सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कि वो वेट करने वाली है या टाइम मशीन डेवलप करने वाली है। ऐसे बहुत सारी एंडिंग डेवलप करने के लिए डायरेक्टर ने आपको यहाँ छोड़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।